हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा हटके होने वाला है क्योंकि इसमें मैं शेयर तो आप लोगों के साथ में शॉपिंग करने वाली हूँ, पर इसे मैं हॉल वीडियो नहीं कह सकती क्योंकि इस सारी शॉपिंग मैंने खुद से नहीं की है। दिस इज गोना बी अ वीडियो इन विच आई एम गोना शेयर विद यू ऑल विवान को उसकी बर्थडे के लिए गिफ्ट्स क्या क्या मिले थे। कई सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन है, कई सारी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन है। क्लोजर रिलेटिव्स ने जिन चीज़ों को परचेज किया था, मुझसे डिस्कस करके परचेज किया था, तो जो चीज़ें ऑफलाइन खरीदी गई हैं उनके आइडेंटिकल्स के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जो ऑनलाइन परचेज की गई है लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए होगा। ऑल्सो आई'ड लाइक टू मेंशन कि अपार्ट फ्रॉम द गिफ्टिंग वाला थिंग कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने रिसेंटली परचेज की थी उसके लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें भी इनकॉर्पोरेट कर दूं मैं आप लोगों के लिए सेम वीडियो में। सो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो एंटरटेनिंग लगेगा और आप लोगों को मजा आएगा ये देख करके कि विवान को एक्चुअली कौन कौन सी चीजें मिली हैं उसके बर्थडे पे गिफ्ट में। तो आइए देखते हैं फटाफट क्योंकि ये वीडियो आई गेस थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, काफी सारी चीजें हैं मेरे पास आप लोगों से शेयर करने के लिए। इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई लाइक टू मेंशन इट टू यू पीपल, उसको काफी सारा कैश भी मिला था तो दैट इज नॉट समथिंग दैट कुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द वीडियो, बट हाँ जो काइंड्स में गिफ्ट्स उसे मिले हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये वंजी दिखाना चाहती थी, इसे उसके लिए मैंने परचेस किया था फ्रॉम फर्स्ट क्राई ऑफ कोर्स। एंड इसको परचेज करने का एक रीजन ये भी था कि इसे मैं ऊपर से पहना करके इसके ऊपर से कपड़े जब पहनाती हूँ तो उसको जब गोद में कोई भी उठा रहा था तो उसकी बैक नहीं ओपन हो रही थी क्योंकि पीलीभीत में काफी ज्यादा ठंड थी और हम लोगों ने इसका बर्थडे वहीं अपने होम टाउन जा करके किया था, तो इस वजह से मैंने दो तीन वंजीज परचेज कर ली थी जिसमें से एक ये थी। इसके अलावा उसके अंकल ने उसके लिए ये सूट परचेज किया था, ये एक वेस्ट सूट है जिसपे ऊपर ये वेस्ट है, उसके नीचे ये शर्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें एक टाई भी थी आई गेस, ये यहीं पे कहीं होनी चाहिए, आई डोंट नो कहाँ गई, पर इसमें एक टाई भी है और इसमें एक ट्राउजर है जो कि वेस्ट के कलर का है, एग्जैक्टली द सेम। ये है ये सूट, ये 3 to 4 years के बच्चे के हिसाब से परचेज किया गया है। टॉकिंग अबाउट मी बींग द टिपिकल मदर आई एम, मैंने सबसे पहले उसके लिए हैंकीज का एक सेट खरीदा, ये 5 हैंकीज का सेट था, 2 ऐसे थे 3 ऐसे थे। देन मैंने उसके लिए कुछ सॉक्स खरीदे, 3 सॉक्स का सेट था जो इस तरीके के थे, मुझे वॉर्म सॉक्स नहीं मिल रहे थे और मैंने 3 सॉक्स का ये सेट भी ऑर्डर किया। ये वॉर्म सॉक्स हैं पर काफी छोटे थे तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन्हें उसको स्ट्रेचेबल काफी है बट उतर भी आसानी से जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ पहले उसे ये पहना देती थी और उसके ऊपर से ये पहना देती थी टू मेक श्योर कि उसके सॉक्स ना उतरे क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, बहुत शैतान है, कई बार ऐसा होता है वो सॉक्स पहनना नहीं चाह रहा होता है और शूज तो बिल्कुल ही नहीं पहनता है, पर एज पेरेंट्स हम लोगों को तो ठंड से बचाना ही है। उसके बाद में मैंने उसके लिए ये कैप खरीदी, सच ए क्यूट कैप, इट हैज सॉकर रिटन ऑन इट एज वेल, बहुत क्यूट लग रही थी मुझे कैप, सो आई बॉट इट फॉर हिम। इवन दो बहुत ज्यादा कैप्स नहीं लगाता है बट स्टिल खुद के पास तो होना चाहिए स्टॉक क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पे इतनी ठंड है जहाँ जितनी कि हम लोगों के यहाँ गाँव में थी तो आपके पास में होनी हर चीज चाहिए, कई बार ऐसा होता है जरूरत पड़ जाती है, तो मैंने ये कैप उसके लिए परचेज कर ली थी। अच्छा हाँ, उस सूट का जो प्राइस है वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो रॉम्पर है वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉक्स का, हैंकीज का, इस कैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्राइसेस क्योंकि मुझे याद नहीं रह गया इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। टॉकिंग अबाउट दिस स्वेटर, दिस हैज बीन परचेज्ड बाय हिज बुआ, काफी क्यूट स्वेटर है और उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वो काफी बॉयश लग रहा था। उसकी बर्थडे के नेक्स्ट डे मैंने उसे जो उसके चाचा ने सूट खरीदा है उसकी शर्ट और उसके ऊपर से स्वेटर पहना दिया था और कॉलर बाहर निकाल दी थी, तो बस ऐसा लग रहा था कि बस अभी वो स्कूल जाने वाला है, स्कूल को एक बॉय लग रहा था। काफी क्यूट स्वेटर है ये, आई नो वो थोड़ा सा स्टीरियोटाइप्स है बट स्टिल उसको पहना दो जब तो बहुत स्मार्ट लगता है। नेक्स्ट हम लोगों ने उसके लिए इस स्वेटर में इन्वेस्ट किया था, ये हुडी स्टाइल स्वेटर है, अंदर से फर है, बहुत क्यूट स्वेटर है ये, बहुत अच्छा लगता है और काफी वॉर्म है, तो इसको पहनाने के बाद मुझे पता होता है क्योंकि वो जैकेट में कंफर्टेबल नहीं रहता उतना, तो इसको पहनाने के बाद मुझे पता होता है कि अब वो वॉर्म और कोजी है और मुझे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब अभी उसको ठंडा लग जाए कहीं, ऐसे ही वो भी चिंता मेरे को नहीं हो रही होती, वो आराम से इसको पहन करके मस्त रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट गिफ्ट्स, उसकी बुआ ने ये शर्ट और पजामी का सेट उसके लिए परचेज किया था, काफी क्यूट है ये पजामी, इवन दो एज ग्रुप जो है वो काफी कम है, 18 to 24 months के हिसाब से ही है ये केवल, तो उसको थोड़ा सा मतलब फिटिंग उसकी लगभग एग्जैक्ट है तो आई थिंक ये समर्स में उसको आएगी अच्छे से, शर्ट भी जो है उसके स्लीव जो है वो ऊपर थोड़ा सा चढ़ जाती है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको समर्स पे पहना के बस खत्म करने वाली हूँ इसे, बस थोड़ा सा छोटा है साइज में पर क्योंकि वो देहरादून से लाई थी तो रिप्लेस नहीं हो सकता ना वो। टॉकिंग अबाउट वी दी हस्बैंड एंड वाइफ, हम लोगों ने उसके लिए ये सूट परचेज किया, इट्स अ फुल स्लीव शर्ट विद अ वेस्ट एंड अ ट्राउजर लाइक दिस,
मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। ये सूट उसने पहना हुआ था अपनी बर्थडे वाले दिन, बहुत क्यूट लग रहा था वो इस सूट में, बहुत प्यारा लग रहा था। सो ये 2 to 3 years के हिसाब से दिस वन रिटेल फॉर 1400 rupees। हम लोगों ने इसे ऑफलाइन ही खरीदा था क्योंकि पर्सनली मैं उसकी बर्थडे आउटफिट जो है वो खुद से परचेज करना चाहती थी। एंड यस ऑफकोर्स इफ यू पीपल थिंक कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, तो मैंने इसके ऊपर पहनने के लिए उसके लिए ऑनलाइन एक ब्लेजर मंगवाया था, पर वो ब्लेजर काफी छोटा हो गया तो मैं उसे पहना नहीं पाई, मुझे उसे रिटर्न करना पड़ गया। फिर मैंने उसके लिए ये दो शूज परचेज किए थे, दोनों फर्स्ट क्राई से ही हैं, क्यूट लग रहे हैं ना, ये उसके बर्थडे आउटफिट पे पहनने के लिए और ये कैजुअली पहनने के लिए। टॉकिंग अबाउट द टॉयज, उसके नानू की तरफ से उसे ये बाइक गिफ्ट में मिली है। अब इसकी फुटेज मैं इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि एट द मोमेंट तो वो बाहर ही खेल रहा है उसके साथ में, बट हाँ मेरे पास में जो फुटेज है ऑलरेडी अवेलेबल उसे मैंने यूज कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। इट्स अ रिमोट कंट्रोल बाइक, बैटरी से चार्ज होती है, काफी क्यूट है और इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्लिपकार्ट पे मुझे ऑनलाइन मिल गई तो काफी अच्छे डिस्काउंट पे मुझे फ्लिपकार्ट पे दिख रही है, उन्होंने तो इन पर्सन खरीदी है जा करके, बट ऑनलाइन ये काफी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो आप चाहे अगर परचेज आप करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है आप लोगों को ऑफलाइन परचेज ना करके ऑनलाइन परचेज कर लेनी चाहिए, सो चेक द लिंक आउट। आफ्टर दैट मुझे क्लियरली याद है कि मैंने अपने हॉल वीडियो में आप लोगों के साथ में इसका ये लैपटॉप नहीं बल्कि इसकी फोटोग्राफ शेयर कर ली थी क्योंकि ये तब तक डिलीवर नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूं ये लैपटॉप भी। इसे मैंने अमेजोन से परचेज किया था, आई गेस ये कुछ 2000 कुछ रुपए का मुझे पड़ा था, इस समय और भी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग इसे गिफ्ट, इट्स अ वेरी नाइस गिफ्टिंग आइडिया, अभी मैंने इसे बॉक्स से भी बाहर नहीं निकाला है और इसको मतलब आप आराम से रैप करके, इट्स अ वेरी नाइस गिफ्टिंग आइडिया एंड वेरी लाइक टॉडलर फ्रेंडली, आप इसे इस तरीके से ऑन करेंगे एंड यू कैन टीच द चाइल्ड वट एवर यू वॉन्ट एंड इट्स लाइक इट मिमिक्स द एक्चुअल व्हाट यू कॉल अ लैपटॉप, इट कम्प्लीटली रिजेंबल्स टू अ लैपटॉप और बहुत क्यूट लगता है ये, काफी क्यूट किटी है इसमें विच डिस्प्लेज एवरीथिंग। तो ये काफी क्यूट इन्वेस्टमेंट था जो मुझे लगा। एंड इसी के जैसा ये आईपैड था जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, इससे मैं शुरुआत कर चुकी हूँ इसी वजह से ये बॉक्स से बाहर दिखाई दे रहा है। इसके साथ मैं काफी खेलना प्रेफर करता है, मैंने आप लोगों के साथ में पिछले एक वीडियो में अमेजोन हॉल वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है कि मैंने ये सारी चीजें उसके लिए परचेस की है। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें मैंने बाकी चीजें भी शेयर की है जो मैंने परचेस की थी उसके लिए। तो ये है वो आईपैड जिसके साथ उसने खेलना अब स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, हम लोगों के लैंडलॉर्ड के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आई मीन वो 7-8 साल के हैं, तो वो लोग राजस्थान गए थे तो विवान का बर्थडे था तो वो उसके लिए गिफ्ट में कैमल लेकर के आए थे। आई नो इट लुक्स वेर्ड बट बहुत लव्ड है ये टॉय, इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि आते ही इन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लव दे दिया था, इसको अलग कर चुके हैं लोग, ये यहाँ पे बैठी हुई थी पीछे, बहुत क्यूट गिफ्ट लगा है मुझे, काफी अच्छा गिफ्ट है और ये काफी लाइट वेट है, उठा के वो लोग खेल लेते हैं, बच्चे मेरे दोनों खेल लेते हैं आराम से इसके साथ में, बहुत लाइट वेट है ये, वुड का लगता है फील होता है पर किस चीज का है पता नहीं है, बट इट्स जस्ट इट्स रियली वेरी क्यूट थिंग, वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटिफुल। ओके नाउ दोज ऑफ यू फॉलो मी रेगुलरली पीपल मस्ट हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व विवान अभी पॉटी ट्रेन नहीं है, वो डायपर्स यूज करता है, तो जस्ट टू मोटिवेट मी मेरी मदर ने मुझे ये विवान को कम और मुझे ज्यादा गिफ्ट में दिया है। दिस इज द कमोड वाली पॉटी सीट जिसे अटैच करके आप अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो मुझे अब उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, बट क्योंकि ये एज अ गिफ्ट मिली थी तो मुझे आप लोगों को दिखानी जरूरी थी क्योंकि ये वीडियो उसके गिफ्ट के ही बारे में है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड। या आई नो इट्स फनी बट स्टिल दिस इज द गिफ्ट। Now the last thing that I wanted to share with you people is this high chair. इसे हम लोगों ने उसको मिले हुए cash को invest करके purchase किया था, काफी cute high chair है ये। High chair purchase करते वक्त हम लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया था कि actually में हम लोगों के पास में उसकी productivity होना बहुत जरूरी है क्योंकि अब वो 1 साल का हो चुका है, बहुत ज्यादा समय तक नहीं, मे बी 1 साल और मुझे मैं उस पर उसे खाना खिला पाऊंगी, उसके बाद मुझे उससे उसको हटाना होगा और उसे नॉर्मली खाना खाने की आदत डालनी होगी। अभी तो मैं ये चाह रही थी कि मतलब उसकी यूजेज काफी लंबे अरसे तक हो सके क्योंकि काफी एक्सपेंसिव पड़ी, 6500 की थी पोस्ट डिस्काउंट। तो इस हाई चेयर को आप बेसिकली टेबल और चेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, और इसे वापस असेंबल करके आप इसे दोबारा हाई चेयर की तरह यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू पीपल इन टर्म्स
टर्म्स ऑफ दिस हॉल और बर्थडे हॉल, बर्थडे गिफ्ट हॉल वीडियो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ में जिन्हें ये वीडियो देख करके मजा आएगा। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहूंगी ह्यूज बाय, और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।